हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं एसएमसी एंट्री मॉड्यूल नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है, यानी एसएमसी का जो एंट्री टाइप है, सेकंड टाइप की एंट्री के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस लेवल को रेस्पेक्ट किया एंड ब्रेक कर दिया। ठीक है, सेम चीज मार्केट ने यहाँ पे की, लेवल को ब्रेक कर दिया, अगेन रीटेस्ट के लिए मार्केट गया हुआ था। तो जब मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि जब भी मार्केट ब्रेक करके वापिस सेम डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो वहां पर एक हाई क्रिएट करता है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक हाई क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट हाई क्रिएट किया, हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने क्या है, जब भी मार्केट वापस जाता है रिवर्स, ठीक है, और मार्केट जाते टाइम अपना क्या करे कि इंस्टेंट वाला जो पॉइंट है, या आप कह सकते हैं जो रिसेंट वाला हाई है, अगर मार्केट डाउन से अप की तरफ जाता है तो रिसेंट वाला जो हाई है अगर उसको लेता है, तो वो आपका आईडीएम कहलाता है। ठीक है, आईडीएम के ऊपर कैसे एंट्री लेना है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि आईडीएम क्या होता है और आईडीएम के ऊपर कैसे एंट्री ली जाती है, एंड आईडीएम पे आप कैसे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, इनडायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। तो वो दोनों चीज मैंने पढ़ाई थी, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम ले लिया, तो आईडीएम लेने के बाद क्या होता है, आईडीएम के जस्ट ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये वाला। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक में आप कैसे एंट्री लोगे, आज सेकंड एंट्री के बारे में अपन पढ़ेंगे कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उस ऑर्डर ब्लॉक में, या एफपीजी आप कह सकते हो, इस पे एंट्री कैसे ली जाती है, इसके बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक चाहे वो कैसे ही केस में हो, अपन दोनों केस में ऑर्डर ब्लॉक का एंट्री मॉड्यूल आज यहाँ पे अपन चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली जो सिनेरियो है वो दिखा देता हूँ कि मार्केट का जो सिनेरियो वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्किंग करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से अगर मार्केट ऐसे जाता है तो उसके स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। ठीक है, ताकि आपको हर चीज इजीली तरीके समझ में आ सके। तो सपोज करिए आपके मार्केट ने यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, तो एंटर करने के बाद क्या होता है कि आपको जो है ऑलवेज 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच होना होता है, यानी कि 1 मिनट का मतलब है छोटा टाइम फ्रेम पे स्विच होना है। मार्केट कुछ इस तरीके से आपको मोमेंटम देगा। ठीक है, ये आपका हो गया छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट पे आपको मार्केट मोमेंटम देगा। यहां पे मार्केट ने क्या किया कि अपने रिसेंट वाला जो हाई था उसको ब्रेक किया मार्केट ने। ठीक है, ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या हुआ, ब्रेक करके मार्केट ऊपर चले गया, यहां तक आ गया। ठीक है, आने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपना रिसेंट वाला लो लिया। तो जब भी आपका मार्केट रिसेंट वाला लो लेगा तो वो आपका आईडीएम कहलाता है। ठीक है, आईडीएम हो गया। अब आईडीएम लेने के बाद मार्केट क्या करता है, यहां से आईडीएम लेके मार्केट वापिस अपसाइड में जाता है, इधर सॉरी, मार्केट आईडीएम लेने के बाद में वापिस से अपसाइड जाता है। थोड़ा दूर कर देता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, आईडीएम लेने के बाद मार्केट क्या करा, वापिस अपसाइड गया और यहां से डाउन आ गया। लेकिन मार्केट यहां जब डाउन आया तो वापिस सेम डायरेक्शन में जाता है, तो इस बार क्या करता है, इधर भी अपना आईडीएम लेता है। ठीक है, और आईडीएम लेता है तो यहां पे भी एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, इस छोटे से ऑर्डर ब्लॉक में आपको एंट्री फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट कैंडल स्टिक देखना है, आपको कुछ नहीं करना, और यहां से आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपकी एंट्री इजी टू यूज रहेगी, आप आसानी से इस एंट्री को कैच कर सकते हैं यहां से। ठीक कुछ इस तरीके से आप इसकी एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपका एक एंट्री पैटर्न बन गया, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको सर्किल में शो कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है,
बाकी जो और एंट्रीज है उनको प्लान करना है, उनका देखना है कि वो मार्केट कैसे लेता है एंड मार्केट का डायरेक्शन उसमें कैसा क्या रहता है। तो यहाँ पे आपको सेम इसी डायरेक्शन में यहाँ पे एंट्री वगैरह प्लान करनी है। जब आपकी ये एंट्री कंफर्म हो जाए तो यहाँ से आपको ट्रेड प्लान करना है इसी जोन से, और यहाँ तक आपका टीपी रहेगा तो आपको मार्केट तो टीपी हिट भी कर देगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना एंट्री वगैरह प्लान करना है। सेम जो चीज़ रहने वाली है जो इस ऑर्डर ब्लॉक में है वही इस ऑर्डर ब्लॉक में भी रहेगी, ठीक है। जो सेम चीज़ यहाँ है वो सेम चीज़ इस ऑर्डर ब्लॉक की भी यहाँ पे काम करेगी। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई डिफरेंट सिनेरियो देखना पड़ेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा, सेम एंट्री पैटर्न रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा जो मार्केट वर्क करेगा, ठीक है, इसके लिए भी सेम रहेगा। तो आपका ये होगा एक एंट्री पैटर्न। दूसरी चीज, अब मार्केट क्या करता है कि कहीं आपको यूट्यूब पे कई वीडियो देखने को मिलेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे जो आईडीएम होता है उसको लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चॉप करते हैं, यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना कि जो डायरेक्ट वाला पॉइंट होगा उसको चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाएगा और इनको बॉस मार्किंग किया जाएगा कुछ इस तरीके से। इनको डायरेक्ट बॉस दिखा जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, आपके मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है डायरेक्ट। इनकी कुछ इस तरीके से डायरेक्ट मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जो मार्किंग होती है गलत होती है, क्योंकि बॉस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट को रीसेंट वाला जो लो पॉइंट है उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका मार्केट वो लेता है तो वेल एंड गुड है, आप अच्छे तरीके से यहाँ पे एक एंट्री देख सकते हैं और एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ये चीज आप कर रहे होंगे तो मार्केट क्या कर रहा होगा, यहीं पे आपको कहीं ना कहीं पे लिक्विडिटी वगैरह देगा, कहीं ना कहीं पे आपको मार्केट ट्रैप करेगा जिससे आपको बचना है, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई आपके बाई साइड के लिए। सेम एज इट इज जो पैटर्न है वो आपका सेल साइड के लिए काम करेगा, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं। अब आपको मैं रियल चार्ट पे ले चल के दिखा देता हूँ ये चीजें कैसे काम करती है। तो मैं आपको रियल मार्केट में दिखा देता हूँ, देखिए ये मार्केट है यस्टरडे यानी कल का मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं स्विच था और मैंने एंट्री ली भी थी, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ ये, और इसका मैं एसएस भी दे दूंगा। देखिए सबसे पहले मार्केट क्या करता है, जैसे ही जोन में एंटर करता है तो अपन को यहीं से मार्किंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने जोन में एंटर किया, मार्केट यहाँ से अप गया, ठीक है, यहाँ पे अप जाने के बाद मार्केट डाउन आया एंड ये टॉप बनाया मार्केट ने। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या, ये अपना आईडीएम ले लिया यानी रिसेंट वाला लो ले लिया। तो रिसेंट वाला जो लो होता है ये एज ए आईडीएम का काम करता है, यानी कि इल्यूजमेंट का काम करता है, ठीक है। तो जब मार्केट आईडीएम ले रहा था तो दैट टाइम पे क्या हुआ, आईडीएम जैसे ही मार्केट ने लिया उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, इसने इसकी लिक्विडिटी ली सिर्फ, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को डायरेक्ट आईडीएम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इसका कंफर्मेशन का वेट आपको करना रहेगा। अगर आप यहां से भी करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही आईडीएम के पास आए, इस निचले वाले आईडीएम के बाद मैंने आपको बताया था ऑर्डर ब्लॉक, तो एक तो ऑर्डर ब्लॉक ये है, तो यहाँ तो मार्केट ने डायरेक्ट ही कैंडल मार के ब्रेक कर दिया है। उसके बाद ये रीसेंट वाला बड़े टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक ये पेंडिंग बचा हुआ है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को लेके क्या गया, मार्केट अपसाइड में गया, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट लेके गया। इसको लेने के बाद मार्केट क्या करता है, वापिस ऊपर जाता है, और जो मार्केट ने ये एक पॉइंट बनाया था जो मैंने आपको भी मार्किंग में दिखाया था कुछ इस तरीके से, छोटे छोटे इंटरनल में आपको ट्रैप नहीं होना, यहाँ से मार्केट आया, मार्केट ने ये पॉइंट लगाया, उसके बाद ये लगा के ये एक और हाई लगाया, ठीक है। तो मार्केट का जो हाई है आप यहाँ से काउंट करिए, ठीक है, ठीक है, ये आपका आईडीएम हो गया। मार्केट ने इक्वली लेवल पे दोनों जगह टच किया, ये आपका आईडीएम हो गया। अब जैसे ही आईडीएम हुआ तो आपने यहां से देखा कि एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, ठीक है, अच्छी खासी, जो कि ट्रेंड लाइन ने 1, 2, 3 बार रेस्पेक्ट किया और इसी ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री ली थी मैंने यहाँ से, ठीक है, और ये जो एंट्री कैच की थी इस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट से लेकर ये एसएल था कुछ इस तरीके से, और यहां तक एंट्री कलेक्ट की थी, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक इवन स्टार्ट कर दिया था, ब्रेक इवन हिट हो गया, तो यहां तक ये एंट्री प्लॉट की थी जो कि काफी अच्छी एंट्री रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है
कि आपको एंट्रीज वगैरह प्लान करनी है, सारी चीजों के बारे में देखना है, जानना है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो है एंट्री मॉड्यूल नंबर सेकेंड है। अब इसी में मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ रिसेंट वाले चार्ट पे, जहां पे भी मार्केट रन हो रहा है। देखिए करंटली यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो अभी सेशन लिक्विडिटी के हिसाब से सबसे लो पॉइंट ये सेशन का। तो जब भी मार्केट इस सेशन की लिक्विडिटी को ब्रेक करेगा या इसको टच करेगा, इसको लेगा, तो आप यहाँ से क्या करिए, एक छोटा सा नीचे मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इस ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद जो एंट्री पैटर्न मैंने आपको बताया सेम एज इट इज, आप यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ पे एंट्री कंफर्मेशन चेक करना है, विदाउट एंट्री कंफर्मेशन चेक किए आप डायरेक्ट ट्रेड मत करना, अदरवाइज वो जो ट्रेड है आपकी गलत भी हो सकती है, आप ट्रेप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक एंट्री चेक करना है, हर एक एंट्री को प्रॉपर तरीके से वॉच आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक अच्छी खासी एंट्री थी जो कि आप देख सकते हैं। इसका और भी जो आपको डिटेल में जानना है और भी आपको कुछ और चीजों के बारे में देखना है, तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।